मिल गया। हमारे फिल्मी चोर बड़े से बड़े ताले को एक सेकंड में खोल लेते हैं। उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है उनकी माँ की हेयर पिन। कभी सोचा आपने, अगर हिंदुस्तानी चोर के पास उसकी माँ की हेयर पिन ना होती तो क्या होता? अरे क्या होता, उसकी माँ खुले बाल घूमती। और तो और, बॉब कट माँ का बेटा कभी चोर बन ही नहीं पाता। अभी कल मैं एक घर में चोरी करने गया तो मैंने देखा वहाँ पे पहले से ही एक चोर चोरी कर रहा था। मैंने उसको बोला, अबे ये तो मेरा एरिया है, तू ये चोरी करने कैसे आ गया? तो वो मेरे को बोला, अबे ये मेरा घर है। फिर डीवीडी का रिमोट छुपा कर मायके चली गई है, वो ढूंढ रहा हूँ। उस बेचारे को मैंने बाजू वाले घर से डीवीडी का रिमोट चुरा कर दिया, तब उसने मेरे को छोड़ा। क्या बताएं साहिब, चोरी के बिजनेस में पहले जैसी बात नहीं रही। जो खुले हम चोरी करते हैं उन्हें कोई नहीं पकड़ता, पुलिस सिर्फ हमारे लिए ही है। मैंने कितनी बार सुना है कि सचिन तेंदुलकर ने एक रन चुराया है, उसे कोई नहीं पकड़ता। ऊपर से गलत कहावतें बना रखी हैं, चोर चोर मुसेरे भाई, जबकि मेरी मौसी का लड़का खुद पुलिस में हवलदार है। तो कहावत ठीक करो ना, चोर पुलिस मुसेरे भाई। ऊपर से ये फिल्म वाले हमारे नाम पर अजीब अजीब फिल्में बना रहे हैं। एक फिल्म का नाम है चोर मचाए शोर। भाई चोर क्यों मचाए शोर? शोर तो पब्लिक मचाती है। अगर चोर शोर मचाएगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। इन्होंने गाना भी बना दिया है, रोमियो नाम मेरा चोरी है। बताओ, रोमियो इतना स्वीट बंदा था, उसके दिल के अंदर जूलियट के लिए इतनी मोहब्बत थी, इन फिल्म वालों ने उसे भी चोर बना दिया। एक बार एक जन ने मेरे को बोला, तुम इस हफ्ते 8 बार चोरी कर चुके हो, 9वीं बार पकड़े गए हो। तो मैंने बोला, जज साहब ये बंदा मेहनत करने से नहीं डरता। दुनिया में बहुत कमाल कमाल के लोग हैं। एक बारी मैंने जिसके घर से चोरी की उसने ही मुझे पुलिस से छुड़वा लिया। और मेरे को बोलता, भाई साहब तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम मेरे घर में आधी रात को घुसे कैसे, और मेरी बीवी की आंख भी नहीं खुली। भाई मैं तो आता हूँ, मैं तो पकड़ा जाता हूँ।